आज हम आपको एक ऐसी कहानी दिखाएंगे इंसानियत के साथ मेहनत की। तो आप देख सकते हो मेरे सामने मशीन रखी है, जो वजन तोलने की मशीन है। वो सारा इस मशीन पे लोगों का वजन तोल कर 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये ऐसे लेते हैं। बाबा कितने समय हो गए आपको यह काम? मैं 16 साल हो गए भाई। पहले क्या करते थे? ये हरियाणा राज्य लघु उद्योग व निर्यात निगम लिमिटेड चंडीगढ़। अच्छा, उसमें एज ए शाखा प्रबंधक। 2002 में आपकी कितनी तनख्वाह थी उस समय? उस टाइम मेरी 15,000 रुपये तनख्वाह थी। 15,000 रुपये तनख्वाह। छः 2002 को चौटाला ने एक पॉलिसी बनाई, अगर भाई जो कॉरपोरेशन घाटे में है ना, उनको बंद कर दिया जाए। डिपार्टमेंट था वही ने बंद कर दिया था। 10,000 आदमी उस टाइम निकाला था। कहने की बात है कि 10,000 जो परिवार थे, हाँ, उनकी रोटी छीन ली थी। राम राम जी, स्वागत आप सभी का दाचर्चा 24 में। मैं हूँ थारीगिलक दीप के। आज हम आपको एक ऐसी कहानी दिखाएंगे इंसानियत की और इंसानियत के साथ मेहनत की। जहाँ हम बैठे आज पानीपत के जो ग्रांड ट्रक रोड है, जीटी रोड जो बोला जाता है, मैं दिखाना चाहूँगा। मेरे सामने जो है जीटी रोड है, और जीटी रोड जो है पानीपत का जो ऐतिहासिक रोड है उसके सामने बैठे हैं। और पानीपत के जो लालबत्ती चौक है, जो लालबत्ती चौक है उसी पर बैठे हैं। तो आपको दिखाएंगे कि पानीपत के एक बूढ़े व्यक्ति है जिन्होंने मेहनत कर रहे हैं अभी भी और अपना घर चला रहे हैं। और वे पहले क्या थे और आज क्या है? तो सबसे पहला ताऊ जी, राम राम। आप? राम राम भाई। अच्छा, नू बताओ। हाँ जी। आपका नाम क्या है और कितना हो आप? मैं जयपाल भोरिया, मेरा नाम है, और मैं नूरवाड़े से आता हूँ। तो जयपाल भोरिया जी इनका नाम है, और नूरवाड़ा एक कॉलोनी है पानीपत की, इंदिरा विहार कॉलोनी के पास पड़ती है। इंदिरा विहार कॉलोनी, हाँ, नूरवाड़ा पानीपत जी, बिल्कुल। तो आप देख सकते हो मेरे सामने मशीन रखी है, जो वजन तोलने की मशीन है। वो सारा दिन ये बाबा, मैं कई काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, सारा दिन ये यहीं बैठते हैं और इस मशीन पे लोगों का वजन तोल कर 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये ऐसे लेते हैं। तो यहाँ पर 10 लोग आते हैं, अगर 5 रुपये के हिसाब से लगाए 10×5 50, तो 50 रुपये बनते हैं। तो बाबा से बात करेंगे। बाबा कितने समय हो गए आपको यह काम? मैं 16 साल हो गए भाई। 16 साल हो गए। अच्छा है। तो आप पहले क्या करते थे इससे पहले? मैं इससे पहले लिमिटेड डिपार्टमेंट में जॉब में था। किस चंडीगढ़ लिमिटेड डिपार्टमेंट? अच्छा, लिमिटेड डिपार्टमेंट में थे आप? हाँ, ये हरियाणा राज्य लघु उद्योग व निर्यात निगम लिमिटेड चंडीगढ़। अच्छा, उसमें एज ए शाखा प्रबंधक। अच्छा था। अच्छा, किस समय की बात है ये? ये 2002 की बात है। 2002 की बात? 2002 से पहले भी थे आप वहीं? हाँ, आखिरी 2002 था। हाँ, मैं 25 साल वहीं रहा हूँ, 25 से लेकर 2004 तक। 2002 में आप जब वहाँ थे, हाँ, 2002 में आपकी कितनी तनख्वाह थी उस समय? उस टाइम मेरी 15,000 रुपये तनख्वाह थी। 15,000 रुपये तनख्वाह। और अगर आप इस समय तक लगे रहते तो इस टाइम में मेरी मतलब 70,000 के करीब होती। 70,000 करीब। हाँ, तो ये एक सोचने का विषय है हमारे लिए भी। एक बाबा है हमारे साथ, एक बूढ़े व्यक्ति है जिनकी 2002 में 15,000 रुपये तनख्वाह थी। और अगर आज भी उसी जॉब पर होते, उसी नौकरी पर होते, तो इनकी तनख्वाह 70,000 के करीब होती। तो बाबा क्या होगा था ऐसा, जब वो नौकरी से आप आगे या फिर हटा दिया? वो ऐसा था, 30/6/2002 को चौटाला ने एक पॉलिसी बनाई, अगर भाई जो कॉरपोरेशन घाटे में है ना, हाँ, उनको बंद कर दिया जाए। जो कॉरपोरेशन घाटे में चल रही है, हाँ, हमारे वाली एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन, ये तेरी ट्यूबवेल कॉरपोरेशन, हाँ, और तेरी इनफेड का, और अपना हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट का डिपार्टमेंट था, वही ने बंद कर दिया था। 10,000 आदमी उस टाइम निकाला था।
सिर्फ जो 10,000 आप बात कर रहे हो, 10,000 जो कर्मचारी थे निकाल दिए थे, ये सिर्फ ए डिपार्टमेंट के थे, सारे डिपार्टमेंट के, सारे डिपार्टमेंट के कम से कम 10,000। तो ये भी एक मतलब एक कहने की बात है कि 10,000 जो परिवार थे उनकी रोटी छीन ली थी उनके साथ, और 10,000 के साथ 10,000 तो एम्प्लॉय हो गया, उनके साथ रिश्तेदारी लगाओ तो 50,000 बढ़ता है, बच्चे बच्चे परिवार कुछ लगा के चला जाए जी। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि ना उस समय की सरकार ने 50,000 परिवारों 50,000 लोगों को भट्टा बिठा दिया था, उनकी रोटी छीन ली। बिल्कुल अच्छा बाबा, उसके बाद 2002 के बाद जब आपके साथ ये बात होगी, उसके बाद आपने क्या किया, सीधा यही काम शुरू किया? हाँ, मैंने यही काम शुरू किया और कोई नहीं किया। अच्छा, वो भी एक मेरा रिश्तेदार था जैसा, वो कहने लगा अगर मौसा जी मेरे साले का लड़का ना, मेरा जो लड़का उसका साला था, कहना मौसा जी आपसे काम नहीं होगा, यू मैं काम तो बता दूँ, मारे मैंने कह दिया था कि बार रखी तू मतलब मैंने काम बताओ, वो कहने लगा मशीन ले दूँगा और तू मतलब ये ले कर बैठ जा। मैं वहीं बैठा अपना जो सोनीपत का था, वो मैं वहीं 50-40 रुपये 2 घंटे में 3 घंटे में मतलब जो था मेरे बन के 2 रुपये का 1 रुपया रेट था उस पर, तो मैं हमारा जो गला तू नहीं मार खाता, तेरा काम सही चल रहा और उस दिन का मैं इसी काम पे हूँ। अच्छा, मशीन यही है, बदली है पहले से? मशीन तो मेरे 20 खराब होगी। अच्छा, वो सारी कुछ घर पड़ी, कुछ लोग ने बेच दी है मतलब कुबाड़ी में। हाँ अच्छा बाबा, मशीन कितने की आवे? ये भाई 1,000 रुपये की आठ पास आवे, 1,000 रुपये की मशीन, 1,100। तो एक दिन में आपके यहाँ पर कितने लोग वजन तोड़ लेते हैं भाई? मेरे पास 20,000 या 22,000 जो युवा जो बच्चे आते हैं वे इस पर चढ़कर चले जाते हैं। मेरा मोबाइल भी खोते ये मत काट के भाग गई। अच्छा, यहाँ कागज पाट के गिर दिया उन्होंने, मैं कहना यार सफाई करी इन्हें शर्म नहीं आई, मैं कागज पाट दिए ताऊ के होया के होया, मैं वो मोबाइल काट लिया भाई, वो लेके वो फिर मैं बंद करवाया टाटा वाला का था मोबाइल। अच्छा, फिर बंद करवाया और क्या करूँ मैं, मतलब इंसानियत जिंदा नहीं है लोगों की कहे जाए तो ना। अच्छा बाबा, ये मशीन आप ले आए, आप आंकड़े लगा तो 20 के करीब लोग आते हैं आपके पास, उसके बाद 5 रुपये के हिसाब से लगाए तो 200 रुपये एक दिन के हो गए, 20 पंजे 100 रुपये। तो 100 रुपये में परिवार कैसे चलता है, घर कैसे चलता है? घर का तो मकान है भाई। अच्छा, मकान मेरे घर का है अपना, जो उसी में अपना थोड़ा खा लिए हैं उसी में गुजारा चल रहा है। कुछ एक लड़का है वो 100-200 और मजदूरी करे, मजदूरी भी बंद हो रही है, कहीं मजदूरी भी नहीं है, अब सारी ईंट महंगी होगी, सीमेंट महंगा होगा, बजरी महंगी होगी, और लोगों ने काम ही बंद कर दिए। अच्छा बाबा, परिवार में कौन कौन है? मेरे 2 लड़के चंडीगढ़ हैं, वो अभी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब है, और एक लड़का है वो भी प्राइवेट जॉब है, कोई पढ़ा नहीं मतलब। अच्छा, कितना परिवार में मतलब जो परिवार का एक साथ होता है, कितना साथ मिलता है आपको? मेरे को कोई साथ नहीं मिलता किसी का। अच्छा, मैं तो अपना हिसाब से चल रहा हूँ और भाई अपना जो इसी से गुजारा कर हो रहा है। एक रुपया जोड़ते हो आप? हाँ बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं कहा जाए कि ना भाई वो बात सुनने में आई है, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। ये देखो, ये सामने देखो, ये इधर देखो इधर, ये कीड़ियों का भट्ट है, यहाँ चूहे हैं, ये मतलब कुत्ते हैं, मैं कम से कम 30 रुपये का इनके लिए लेके आता हूँ। अच्छा, 15 रुपये का कुत्तों को डालता हूँ, 15 रुपये का इनको डालता हूँ। अच्छा, यही मेरी सेवा भाव कर रहे हैं और यही मेरे को दे रहे हैं। चलो चलो, मैं बताना चाहूँगा बाबा, पीछे दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर चीटियाँ जो है, चीटियाँ और चूहे हैं, आप देख सकते हैं चूहा वहाँ भी है, उनके लिए बाबा डेली 15 रुपये का इनके लिए और 15 रुपये का कुत्तों के लिए लाते हैं। बिल्कुल ठीक बाबा, तो ये एक इंसानियत है जो गरीब इंसान के अंदर होती है। बाबा गरीब है और बाबा ने जो अंदर की जो भावना है इन ना जो बोल नहीं सकते जानवर, जो जानवर बोल नहीं सकते उनके लिए दिखाते हैं, 15 रुपये का लाते हैं, जितना अपनी श्रद्धा होती है बाबा आप डेली लाते हैं उनके लिए डेली। ये सबने पता है। अच्छा, कोई ये नहीं कहता तुमने चूहे पाल दिए? ना, ये नाला है, ये नाला है ना।
नाले के ऊपर भी लेंगे। अच्छा नाला है ये पूरा लंबा, ये नाले के ऊपर भी लेंगे और इसमें कोई किया नहीं, निकी का मकान गिरेगा। अच्छा ये नाले के ऊपर है इनका बैठने का, जो हम बैठे नाले पे बैठे हैं हम। अच्छा अच्छा बाबा आप एक लिमिटेड कंपनी में थे। हाँ लिमिटेड थी वो, उसके बाद मतलब ये होता है कई बार आधा गवर्नमेंट का था आधा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कुछ पेंशन वगैरह बंदी थी आप? वो 1200 रुपये है, बट फालतू नहीं है 1200 रुपये। हाँ अच्छा मेरे साथ का गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है 40,000 रुपये पेंशन ले रहा। अच्छा। मैं 1200 रुपये ले रहा हूँ। अच्छा मेरा कहाँ 40,000 का 1200 रुपया है, अगर जब गवर्नमेंट जॉब में होता तो मेरी 40,000 पेंशन। बिल्कुल और आज के टाइम में मैं 20,00,000 रुपये मतलब ग्रेजुटी ले करता, ग्रेजुटी है लिव इन कैचमेंट है मेरा 20,00,000 रुपये हो जाता। मेरे को उस टाइम 4-5 लाख रुपये मिला था, वो मैंने बच्चों की शादी में प्लाट 2 लाख का लिया बना दिया, चल भाई उनके लिए झोपड़ी बना दी मैंने। अच्छा अच्छा बाबा ये आँख में क्या हुआ था? आँख में इन्फेक्शन हुआ था बेटे, इसमें फोले हो गए थे दोनों आँख में। अच्छा तो ये तो बचपन से खराब थी और ये मतलब रिटायरमेंट के बाद हुई खराब। तो मैंने डॉक्टरों से चेक कराया और कोई एक नहीं 20 अस्पतालों में कहना कि तेरी तो दोनों आँखों की पुतली बदली जाएगी। तेरे की आर के रेस्टोरेंट है यहाँ, ये मल्होत्रा रेस्टोरेंट नवल सिनेमे के साथ में, वो कहने क्या था तू और दिल्ली चला जा सराफा हॉस्पिटल और मैं आदमी बताऊँगा थोड़े तेरा काम हो जाएगा। थोड़ा इन्फेक्शन हो गया आँख में, ये 3 बार ऑपरेशन हुआ नहीं ठीक हुई, फिर ये निकलवानी पड़ गई मेरे को। इस पर भी मैंने 1,00,000 रुपया शेयर हो गया था मेरे, वो भी मैंने इसी मशीन से तारा धीरे धीरे उतर गया इससे। हाँ तो उतर तार दिया मैंने वो भी। अच्छा बाबा बुढ़ापा पेंशन मिलती है? हाँ ले रहा हूँ भाई। अच्छा ले रहा हूँ, थोड़ा गुजारा उससे हो जाता है? हाँ बट वो सारा कह दे जो भी कह दे मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ले रहा हूँ। अच्छा बाबा आप जैसे जो लोग हैं जो यहाँ पर ऐसे 2-2 रुपये के लिए 3-3 रुपये के लिए मेहनत करते हैं, सरकार ने उनके लिए क्या ऐसा क्या करना चाहिए जो उनका मतलब परिवार या फिर उनका घर है उनका रसोई का खर्चा सही चल सके? इन्होंने सबसे बड़ी बात तो ये है, अब गरीब आदमियों के जैसे किसान मंडियों ने 10 रुपया खाना कर दिया, किसान मंडियों में गवर्नमेंट ने 10 रुपये की थाली कर दी खाने। बिल्कुल बिल्कुल। वो इन गरीबों के लिए भी 10-5 रुपये की थाली होनी चाहिए, जैसे दिल्ली में हुआ है। हाँ दिल्ली में 5 रुपये की थाली कर दी है तो यहाँ भी होनी चाहिए, वो यहाँ भी होनी चाहिए। मेरा कहना था कि गरीब आदमी भी रोटी खा सकते हैं। जी तो बाबा बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप मेहनत करते हो, सबसे बड़ा खुशी इसलिए हुआ कि ना आप मेहनत करके खाते हो, इतनी उम्र में भी आप इतनी मेहनत करते हो। मैं 74 ईयर ओल्ड है मेरी, मैं 74 साल का हूँ, 74 साल का हूँ और मैं अभी अपना इंडिपेंडेंट काम करता हूँ अपना, मैं किसी के भरोसे नहीं हूँ। कपड़े अपने आप धोता हूँ, सुबह शाम नहाता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ है और अपने काम पर आ जाता हूँ। सभी ने पता ये बूढ़ा 8 बजे आ गए, 8:30 बजे मेरा रोज। कितने बजे जाते हो? मैं यहाँ से 5 बजे चलता हूँ। 5 बजे जाते हो? हाँ 5 बजे जाके अपना जो बाकी काम बचा वो करते हो? बस अपना जो है जाके फिर तो ये है अब अपना बच्चे ठीक ठाक बोल ले ठीक से, नहीं तो भाई अपना होटल में रोटी खाए अपना नहीं फिर चल भाई घर घर खाना नहीं करता। अरे कई बार लड़ाई हो जाए बड़का के उन्हें अगले देंगे तो मैं भूखा थोड़ा मरूँगा। सही बात है, रोटी तो मैंने खानी है ना है? सरकार ऐसा जरिया करते ना अब जैसे अपना जब हम वोट दे हैं सरकार को तो सरकार ने हमारी मीनू कई वो हमारी सब्सिडी भी खोज ली इन्होंने, जो सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती थी वो भी खोज ली इन्होंने, तो अब वो भी 200-250 रुपये जो भी आता था वो भी हमारा खत्म हो गया। अरे भाई सिलेंडर चूल्हा इन्हें देना था अपने उससे जो जो ये इनकम टैक्स दे रहे हैं आयकर विभाग को या सेल टैक्स दे रहे हैं इन्होंने देना चाहिए था, वो हमारी सब्सिडी भी काट दी वो भी नहीं आंदी अब। जी जी ठीक है बाबा जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़ी मेहनत करते हो आप और एक आइडल हो आप आने वाले नौजवानों के लिए, जो लोग जो घर में बैठे हैं जो घर में बैठ कर बाबा जी करते हैं सड़कों में घूमकर बाबा जी करते हो उनके लिए आप एक प्रेरणा का स्रोत हो ना, आप इतनी मेहनत करते हो ना। तो मेरे मैं दारू पीता हूँ ना, मैं पहले सिगरेट पीता था अपने सर्विस टाइम में, तो जो 3-3 डब्बी फोर्स केयर की पीता था, लेकिन अब मैं ना सिगरेट पीता हूँ ना दारू पीता हूँ और अपना जो है सादा खाना 4 रोटी अपना नहीं बने 4 सुबह 4 शाम। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बाबा जो कि मशीन के साथ वजन तोलते हैं और
5 रुपये 3 रुपये 2 रुपये ऐसे पर व्यक्ति लेते हैं। तो इनके साथ कुछ जो कॉलेज के बच्चे आते हैं तो यहाँ पर मशीन पे खड़े होकर भाग जाते हैं वजन देखकर। तो ऐसा ना करो, मेरे उन साथियों से निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसा ना करें, क्योंकि ये गरीब व्यक्ति है, अपना 1 या 2 रुपये 3 रुपये मेहनत करके गुजारा करते हैं, तो इनके साथ ऐसा ना करें। तो आप सभी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि ऐसे जो बुज़ुर्ग हैं, जो समाज के लिए एक आईना है, जो 70 साल प्लस होने के बाद भी मेहनत करते हैं। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट से निवेदन है, अगर भाई एक 5 रुपए की थाली, मतलब यहाँ भी पानी पत में मिला, पानी पत में भी होनी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल। जब किसानों के लिए हो सकती है 10 रुपए जी, तो गरीबों के लिए भी यहाँ होनी चाहिए जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाबा का भी कहना बड़ा अच्छा, अच्छी बात है, जो अनाज मंडियाँ हैं वहाँ पर किसानों के लिए 10 रुपए की थाली की गई है, 5 रुपए की थाली की गई है, तो वो थाली शहरों के अंदर भी काफ़ी जगह होनी चाहिए, ताकि जो परिवार है, गरीब लोग हैं, जो 2-3 टाइम की रोटी खाना है उनके लिए बड़ा मुश्किल है, वो अपने कम पैसों में अच्छा खाना खा सके। तो ऐसे ही हम आप सभी को ऐसी ऐसी कहानी, ऐसी ऐसी स्टोरी आप लोगों की दिखाते रहेंगे, ऐसे ऐसे लोगों से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक आप सभी साथियों का नमस्कार।